हेलो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय नॉलेज में। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं घर में तुलसी का पौधा लगाना क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। तो चलिए जानकारी को प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। अब चलिए बात कर लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इससे आपके घर में क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को माता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है तुलसी माता के अंदर वह शक्ति होती है जो अपने पूजने वाले भक्तों को काफ़ी ज़्यादा शांति प्रदान करती हैं। इसके अलावा उनको रोगों से भी मुक्त रखती हैं। इसके अलावा तुलसी का पौधा जहाँ पर भी स्थापित होता है वहाँ की पॉजिटिविटी एनर्जी काफ़ी तेज रहती है। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। वहीं अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक कारण। अगर वैज्ञानिक कारणों की बात माने तो तुलसी का पौधा लगाना बेहद ही जरूरी होता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों का सेवन करना भी बेहद जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति तुलसी की पत्तियों का नियमित रूप से सेवन करता है उसको बीमारियां कम से कम होती हैं। ये साइंटिफिक है और इसको जो है वैज्ञानिकों ने लैब में जो है पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको जो है एग्जाम्पल के रूप में दिया है। आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। भाई अब बात कर लेते हैं अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इससे आपकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसको नियमित रूप से पानी देते हैं और पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी स्थिर होती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता ना भी सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा निर्णय लेते भी हैं तो वो जल्दीबाजी में गलत निर्णय लेते हैं जिसके कारण भविष्य में उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है और काफ़ी मान सम्मान में भी हानि होती है। ऐसे व्यक्ति अगर तुलसी माता को नियमित रूप से पानी देते हैं, जल अर्पित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उनको जो है मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। मानसिक संतुलन प्राप्त होने के बाद उनके अंदर अच्छे निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होती है और आज के समय में वही सफल व्यक्ति होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले, और ऐसा करने वाले व्यक्ति आने वाले समय में मान सम्मान के जो है हकदार बनते हैं। इसलिए अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं है और आपका आत्मविश्वास कम है तो आप नियमित रूप से तुलसी माता को जल अर्पित करिए और उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ करिए और उनकी पत्तियों का नियमित रूप से सेवन करिए। इससे होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा आपका जो शरीर है वो निरोग्य होगा और इसके अलावा आपकी मानसिक शांति भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज होगी जिसकी वजह से आप अच्छे खासे फैसले ले सकेंगे और आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा होगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल और निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है तो हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और तुलसी की पत्तियों का अगर सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कोई रोग भी उत्पन्न नहीं होता है जिसकी वजह से आपको कभी अस्पताल वगैरह के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, तो जय श्री राम अवश्य लिख दें।